बात करूं मैं, अगर इसमें बात करूं ना टोटल, तो फेज 12 की ये वैकेंसी है और इसके द्वारा लगभग 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली है। ठीक है, कितने पदों पर? 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी एसएससी ने जारी करी है। अगर इनमें से नर्सिंग ऑफिसर के जो पद हैं वो मात्र कितने पद हैं? 15 से 20 पद यहाँ पर रखे। देखो टोटल इस वैकेंसी में जो पद आए एसएससी की तरफ से निकाली गई वैकेंसी में 2049 पद आए हैं, और जिसमें टाइप की बात करें तो टाइप 489 टाइप के इसमें अलग अलग 489 टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं अलग अलग। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एसएससी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें अपन तो 15 से 20 के बीच में वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, कोई फिक्स नहीं है, किसी जगह ऊपर नीचे हो रखी है। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 6, 7, 8 मई को होगा, और इसका जो सिलेबस रहेगा बाद में बताऊँगा, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में नर्सिंग का NV नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप सभी को नॉन नर्सिंग पार्ट आता है SSC लेवल का, जो SSC CGL नाम सुना होगा उससे बैंकर तरीके का अगर पार्ट आपको नॉन नर्सिंग पार्ट आता है तो आप इस फॉरम के लिए पैसे लगाना, नहीं तो फॉरम मत भरना, कोई मतलब नहीं है इसमें। क्योंकि इसमें 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। इसके अलावा नर्सिंग सब्जेक्ट का NV नहीं आएगा, तो उस अकॉर्डिंग फॉर्म भरना। भी सिलेबस लास्ट में बताऊंगा, पहले वैकेंसी बता देता हूं। आप अगर यहां पर देखोगे ये SSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं 26 फरवरी से, और 18 मार्च तक इसके फॉरम चलने वाले हैं, यानी कि आपकी जो नॉर्सेट क्लास डेट है उसके अगले दिन तक फॉरम चलेंगे। और नॉर्सेट का मेंस 5 मई को है, और नॉर्सेट का मेंस, और इसका जो इसके जो एग्ज़ाम होगा वो 6 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको दिक्कत ही रहेगी, आप दो दो तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी अगर ये फॉर्म डालते हो तो। बाकी वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 18-19 वैकेंसी है, और सारी वैकेंसी तितर बितर हो रही है। किसी रीजन में एक वैकेंसी है, हर रीजन में आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग पेमेंट आपको कटवाना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के फॉर्म डालना। इसकी जो एग्ज़ाम की कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव डेट है वो 6 से 8 मई 2024 रखी गई है, और इसके अलावा इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखे, तो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, तो ये NWR नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो CGHS चंडीगढ़ है यहाँ पर अगर बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 8 वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड कर रखी है। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एक ही रीजन में है, चाहो तो आप फॉर्म लगा सकते हो। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है यह है NR नॉर्थ रीजन से, नॉर्थ रीजन मतलब दिल्ली, राजस्थान वगैरह सब इसी में आते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो केवल एक वैकेंसी है, ठीक है, इसके लिए भी अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपका CR सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज में, यहाँ पर टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 2-4 वैकेंसी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं वहाँ पे CR में ही दूसरी नोटिफिकेशन है, दूसरी वैकेंसी है। इसके लिए अगर आप CR में भी दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म लगाते हो तो अलग अलग पेमेंट आपको करना पड़ेगा, यहाँ भी एक वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे है ER ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो आपका वेस्ट बंगाल वाला साइड है उस साइड पे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं दो ही टोटल पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पर भी नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की जो यहाँ पर पोस्ट है वो भी सिर्फ 2 है। तो अगर आप सभी लोग एलिजिबल हैं इन वैकेंसी के लिए, BS नर्सिंग वाले सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन हर वैकेंसी का अलग अलग पेमेंट करके आप ये फॉर्म भर देना। WR यहाँ पर आप बात करो, WR यानी कि वेस्टर्न रीजन की बात करो, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, मुंबई में आपकी पोस्टिंग होगी, और यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पद है। कितना पद है? 1 पद है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो 15+ यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि यहाँ पर आपको पार्ट क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अब आपको मैं बताता हूँ। सभी फॉरम अगर आप सारे फॉरम एक साथ लगाते हो तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा। फॉरम भरने का जो नया रूल है वो लागू हो गया है, SSC की नई वेबसाइट बन चुकी है, वहाँ जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। पुराने वेबसाइट पर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। यहाँ पर अगर देखते हो इसका सिलेबस अब मैं आपको बता देता हूँ, तो एग्ज़ाम डेट वगैरह पहले बता चुका हूँ, 1 मिनट यार, 26 फरवरी को यानी कि नॉर्थसेट वाले दिन ही इसका नोटिफिकेशन आया था, सारे नोटिफिकेशन एक साथ आ गए। आपको भी क्या लग रहा हो कि मज़ा हो गया जट, तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि आप DSSB की, नॉर्थसेट की और ESIC की तैयारी करें। ये छोटे मोटे जो ऐसे पेपर आते हैं इनके लिए अगर आपकी नॉन नर्सिंग पार्ट अच्छी है तो फॉर्म भरें, नहीं तो ना भरें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी आपके पास बड़े वैकेंसी बल्क में वैकेंसी है तो माइंड डाइवर्ट ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको इच्छा है तो अभी भर देना आप फॉर्म, फीस 100 रुपये ही है। इसमें सिलेबस में आपको बता देता हूँ सिलेबस में क्या क्या आएगा।
तो आपको सेंटर देख लो पहले राजस्थान में, जो राजस्थान वाले हैं सेंटर की लिस्ट भी यहाँ पर उन्होंने दे रखी है। मैं राजस्थान वाले NR रीजन की बता देता हूँ, NR रीजन, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान के कैंडिडेट है राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तीनों रीजन में ये इतने सारे के सेंटर, दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की, ये सेंटर यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी सभी के अलग अलग सेंटर हैं रीजन वाइज। अगर यहाँ पर देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आप चाहे मेट्रिकुलेशन लेवल के हो, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल के हो, किसी भी लेवल के हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप ये वैकेंसी देख पा रहे होंगे। जनरल के 25, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25, और इसके अलावा इंग्लिश के यहाँ पर 25 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 आएंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और एक घंटे में आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने होंगे, एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ये भी नहीं कि आपको लंबा टाइम मिलेगा, सिर्फ एक घंटा आपको मिलने वाला है, एक घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अगर 100 क्वेश्चन आप एक घंटे में करते हो तब आपका पेपर आगे बढ़ पाएगा। और नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.50 मार्क्स इसमें काटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो जो अपना ग्रेजुएशन लेवल में जो डिटेल सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस में इतने सारे के टॉपिक हैं, अगर आप पढ़ सको पढ़ लेना क्योंकि बहुत लंबा टाइम वीडियो हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में इतना बड़ा है, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की मैं बताऊं तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में इतने टॉपिक हैं, मतलब मैथ में इतने टॉपिक हैं। इंग्लिश में जो बात करें, इंग्लिश में टॉपिक आपको छोटे से नज़र आएंगे लेकिन इसमें बहुत मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि इसमें वोकेबलरी सबसे ज़्यादा आती है। तो वोकेबलरी देखो, पार्ट ए बी डी विल बी लेवल कम्युनिकेशन, यानी कि जो ये है ये सभी में अलग अलग चलेगा, लेकिन इंग्लिश जो रहेगी चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो या 10th लेवल हो, सभी में सेम रहने वाली है। यहाँ पर देखो स्पोर्ट, NRR, ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, मिस स्प्लेट, एडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली। तो दोस्तों SSC की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, इंतजार था, आ गई। अगर आपको एलिजिबल हो और आपका मन हो रहा है तो फॉर्म भरना, और अगर आप चाहते हो कि नहीं फालतू टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, तो फॉर्म मत भरना, कमेंट करके बताना पैसा वेस्ट है या फिर अच्छी वैकेंसी है। बाकी जॉब लेवल शानदार यहाँ पर रहने वाली है। तो SSC भी हर साल वैकेंसी निकालती है। इस वैकेंसी में अगर इसमें बात करूँ ना टोटल, तो फेज 12 की ये वैकेंसी है और इसके द्वारा लगभग 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली है। ठीक है, कितने पदों पर? 2000 प्लस पदों पर वैकेंसी SSC ने जारी करी है। अगर इनमें से नर्सिंग ऑफिसर के जो पद हैं वो मात्र कितने पद हैं, 15 से 20 पद यहाँ पर रखे। देखो टोटल इस वैकेंसी में जो पद आए हैं SSC की तरफ से निकाली गई वैकेंसी में 2049 पद आए हैं, और जिसमें टाइप की अगर बात करें तो टाइप 489 टाइप के, इसमें अलग अलग 489 टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग पद हैं जिन पर वैकेंसी इन्होंने निकाली है। तो दोस्तों अगर आप सभी एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर लेना नर्सिंग ऑफिसर के लिए। बाकी टाइम वेस्ट अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताना कि ये टाइम वेस्ट वैकेंसी है। तो 2049 पद टोटल नर्सिंग ऑफिसर के तो नहीं है, इनमें से सिर्फ जो इसके आगे 20 लिखे हुए हैं इतने भी पद आपके नर्सिंग ऑफिसर के नहीं है, बस टोटल जो डिपार्टमेंट है भारत के सभी डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके ये वैकेंसी इन्होंने जारी करी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।